अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अलग फुदकम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये हमारी रेसिपी के इंग्रीडियंट्स हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर 1/2 kg चिकन ले लिया है, एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है, 1 tablespoon गर्म मसाला ले लिया साबुत, और यहाँ पर मैंने 1 teaspoon नमक ले लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और 1/2 teaspoon हल्दी ले लिया और 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मैंने 1.5 cup चने की दाल ले लिया, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया, इसमें हम पहले अपनी ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं जो हमने चने की दाल ली है। और साथ ही चिकन भी ऐड कर देंगे। और ये जो हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं भी ऐड कर देंगे सारे। और लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। फिर उस पानी ऐड कर लिया, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट का वेट लगा देते हैं। तो बस मिक्स हो गया, अब हम इसे वेट लगा देते हैं और फिर आगे रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखें हमारा दाल गोश्त गल चुका है, ये देखें अच्छी तरह से गल गया। तो बस हम इसे मैश कर लेते हैं, क्योंकि हम घुटा हुआ दाल गोश्त बना रहे हैं तो इसको मैश कर लेते हैं और फिर हम बाकी की जो हमारी रेसिपी है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो इस दाल को हमने अच्छी तरह से घोट लिया है, देखें तो ये हमारे दाल के जो मसाला है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, 2 अदर टमाटर ले लिए और 6 से 7 अदर हरी मिर्चें, 1 tablespoon धनिया पाउडर ले लिया, 2 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 teaspoon मैंने नमक ले लिया। पहले भी नमक ऐड किया तो इसलिए मैं अब यहाँ पर थोड़ा ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पर 1/2 teaspoon जीरा पाउडर ले लिया, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर और 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जो रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। 1 cup मैंने ऑयल लिया है। तो जो साथ ही हम यहाँ पर प्याज भी ऐड कर लेते हैं ऑयल में। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन सा कर लेते हैं। तो प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। और इसकी हम तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। तो जो 2 मिनट हो गया लहसुन अदरक की भुनाई को, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी भी भुनाई कर लेते हैं। तो
रिवर्स। अब साथ ही हम यहाँ पर जो हमारे बाकी के स्पाइसी सब वो ऐड कर लेते हैं, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार। और साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो मसाला है वो जले ना। तो वो मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। तो मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, देखें अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसमें अपना जो घुटा हुआ दाल और गोश्त है वो ऐड कर देते हैं, ये जो हमने लिया था सारा इसमें ऐड कर लेते हैं। सारा ऐड कर लेते हैं इसी तरह से। तो जो सारा ऐड कर लिया अब इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट तक कवर करके लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त रेडी हो चुका है। तो देखा माशाल्लाह से कितना प्यार लग रहा है। तो अभी हम इसे थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं, ये हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देते हैं। तकरीबन 1/2 टीस्पून में यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और ऊपर से थोड़ा धनिया गार्निश कर लेते हैं। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, देखें कितना प्यार लग रहा है। तो बस अब हम आपको डिश आउट इसे करते हैं और फिर आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो आपको तो ये हलीम जैसा लग रहा होगा लेकिन ये हलीम बिल्कुल भी नहीं है, ये दाल गोश्त ही है। लेकिन इसका टेस्ट आप इसे ट्राई करेंगे तो टेस्ट बिल्कुल हलीम जैसे ही आएगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।